जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा करो, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल करो, जम्मू कश्मीर में बाबू राज नहीं चलेगा, भाजपा चुनाव आयोग गठबंधन मुर्दाबाद, मोदी शाह हाय हाय, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, घोषणा करो, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल करो, जम्मू कश्मीर में बाबू राज नहीं चलेगा, बीजेपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गठबंधन मुर्दाबाद, चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली बंदा बंद करो, मोदी शाह हाय हाय, मोदी सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, 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 घोषणा करो, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल करो, जम्मू कश्मीर में बाबू राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा करो, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, जम्मू कश्मीर में बाबू राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भाजपा चुनाव आयोग गठबंधन मुर्दाबाद, घोषणा करो, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल करो, जम्मू कश्मीर में बाबू राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बीजेपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गठबंधन मुर्दाबाद, 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 चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली बंदा बंद करो, बंद करो, बंद करो, मोदी शाह हाय हाय, हाय हाय, सरकार मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 घोषणा करो, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, जम्मू कश्मीर का बाबू राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, कमिश्नर हाय हाय, इलेक्शन कमिश्नर हाय हाय, मोदी शाह हाय हाय, इलेक्शन कमिश्नर हाय हाय, भारतीय जनता पार्टी हाय हाय, भारतीय जनता पार्टी हाय हाय, भारतीय जनता पार्टी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हाय हाय, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हाय हाय, मोदी शाह हाय हाय, मोदी शाह हाय हाय, मोदी शाह हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, के बाहर हमारा धरना है इस बात को लेकर कि जम्मू कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं हो रही है। इलेक्शन कमीशन भी भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली बना हुआ है आज की तारीख में, और जो चुनाव होने चाहिए थे वक्त के ऊपर वो नहीं हो रहे। चार वर्षों से आपने जम्मू कश्मीर को जमहूरी निजाम से वंचित रखा हुआ है, जो संविधान का उल्लंघन है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना है। जिस तरीके से बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोगों को अपने जमहूरी अधिकारों से वंचित रख रहे हैं, उसी को लेकर आज यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। ये चुनाव 4 साल पहले होने चाहिए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब भी किसी रियासत में असेंबली प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हो तो 6 महीने के अंदर अंदर वहां असेंबली का गठन होना चाहिए, नई असेंबली बननी चाहिए। लेकिन यहां 4 साल हो चुके हैं और अभी भी इलेक्शंस का कोई अता पता नहीं है, और ये इंडिकेशन दी जा रही है कि जब तक बीजेपी की हुकूमत केंद्र में रहेगी तब तक जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करवाए जाएंगे, और जम्मू कश्मीर में इसी तरीके से बाबू राज चलता रहेगा, अपने चहेतों के माध्यम से जम्मू कश्मीर को ये निज़ाम चलाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जम्मू कश्मीर को लूटा जा रहा है, जम्मू कश्मीर का पैसा लूट लूट कर बाहर रियासतों में भेजा जा रहा है। इतना भ्रष्टाचार इन ब्यूरोक्रेट्स ने यहाँ मचाया हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है, और किसी लोगों के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है।
जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बाबू लोग हैं, वो लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मूलभूत सुविधाओं से उन्होंने जम्मू कश्मीर के आवाम को वंचित किया हुआ है और इस तरीके से निज़ाम को चलाया जा रहा है, जोर जबरदस्ती से निज़ाम को चलाया जा रहा है। ये प्रॉक्सी रूल जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है, हिंदुस्तान के हित में नहीं है। ये सिर्फ लूट पाट करने के लिए एक तरीकाकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जम्मू कश्मीर में जो अपनाया हुआ है, उसी के खिलाफ आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बना हुआ है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बारी हुआ है ऑटोनॉमस बॉडीज जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे के ऊपर नाच रही हैं इस तरीके से। और आम नागरिक को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको मूलभूत सुविधाओं से आपने वंचित कर दिया है। आम आदमी आज त्राहिमाम कर रहा है, बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। और ये सरकार दमन की राजनीति कर रही है, अदायरों को अपने साथ मिलाकर जोर जबरदस्ती से यहाँ के निज़ाम को जिस तरीके से चलाने की कोशिश कर रही है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आम आदमी पार्टी उसका न केवल कड़ा विरोध करती है बल्कि मांग करती है। राष्ट्रपति महोदय, अगर आप संविधान के मुखिया हैं,